इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और बताइए इनमें से पार्ट डिफरेंसेस कौन से है। आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो दोस्तों चलिए इसका जवाब देखते हैं। पहला डिफरेंस है ये, दूसरा डिफरेंस है ये, तीसरा डिफरेंस है ये, चौथा डिफरेंस है ये और पांचवा डिफरेंस है ये। दोस्तों आपने इनमें से कितने डिफरेंसेस ढूंढे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों इस बैग की इमेज को ध्यान से देखिए, अब इस जॉम्बी को ध्यान से देखिए और अब इस कार को ध्यान से देखिए और अब मुझे ये बताइए आपने इनमें से कौन सी बैग की इमेज देखी थी। आपने इमेज सी देखी थी। अब मुझे ये बताइए आपने इनमें से कौन सी जॉम्बी देखी थी। आपने जॉम्बी ए देखी थी। अब मुझे ये बताइए आपने इनमें से कौन सी कार देखी थी। आपने कार सी देखी थी। दोस्तों अगर आपका भी यही जवाब था तो मुझे लाइक करके बताइए। एक हॉस्पिटल में मिस्टर शर्मा की 3 अलग अलग सर्जरीज करने का डिसाइड होता है, तो उन सर्जरीज को करने के लिए 3 अलग अलग डॉक्टर्स आ जाते हैं, डॉक्टर वर्मा, डॉक्टर अस्थाना और डॉक्टर सिन्हा। मिस्टर शर्मा की 3 सर्जरीज हो जाती है और अगले ही दिन उनकी मौत हो जाती है। मिस्टर शर्मा की मौत होने पर मौके पर पुलिस आ जाती है। पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम को भेजती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुलिस को पता चल जाता है कि मिस्टर शर्मा की मौत उनके पेट में डॉक्टर की सीजर रहने से हुई है। ये पता लगने के बाद पुलिस 3 सर्जन से पूछताछ शुरू करती है। डॉक्टर वर्मा कहते हैं, मैंने तो उस वक्त पर सीजर का इस्तेमाल किया ही नहीं था। डॉक्टर अस्थाना बताते हैं कि सर्जरी के बाद टाके तो मेरे असिस्टेंट ने डाले थे। डॉक्टर सिन्हा बताते हैं, मेरे सारे टूल्स को मेरी नर्स ही संभालती है। तो दोस्तों क्या आप बता सकते हैं इन 3 डॉक्टर्स में से कौन से डॉक्टर ने गलती की है। आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। दोस्तों क्या आपने जवाब कमेंट किया, तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। अगर आपने डॉक्टर वर्मा और डॉक्टर सिन्हा के बयानों के वक्त देखा होगा तो उनके पास रखे हुए टेबल पर सर्जिकल टूल्स में सीजर भी दिखाई दे रही है, मतलब उन दोनों से गलती नहीं हुई है। लेकिन अगर आप डॉक्टर अस्थाना को देखोगे तो उनके पास के सर्जिकल टूल्स में से सीजर गायब है, इसका मतलब ये गलती डॉक्टर अस्थाना से ही हुई है। दोस्तों अगर आपको ये पहली पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक। कौन सी चीज है जिसे हम पीने के लिए खरीदते हैं मगर कभी पीते नहीं हैं? आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो दोस्तों क्या आपने इस पहले का जवाब कमेंट किया, तो चलिए इस पहले का जवाब देखते हैं। इस पहले का जवाब है गिलास। दोस्तों इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि इस रूम में कितने स्टूडेंट्स हैं। और अगर आपको जवाब पता हो तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। दोस्तों अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इस रूम में 3 बैग रखे हुए हैं, मतलब यहाँ कम से कम 3 स्टूडेंट तो पक्का ही है। दोस्तों इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि इन 3 इमेजेस को मिलाकर कौन सी एक सब्जी का नाम बनता है। और अगर आपको
जवाब मिल जाए तो मुझे लाइक करके बताइए। दोस्तों, क्या आपने अपना जवाब कमेंट किया? तो चलिए इसका जवाब देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पहली इमेज में एक माँ है, दूसरी इमेज में एक इमोजी है जो चुप रहने का इशारा कर रहा है, और तीसरी इमेज में एक रूम है। तो तीनों इमेजेस को मिलाकर बनता है मशरूम, जो कि एक सब्जी का नाम है। दोस्तों, अगर आपका भी यही जवाब था तो मुझे कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।